माया ने अनुपमा को खुद ही सारी सच्चाई बता दी, कहीं यही सोचकर आप तो नहीं बैठे हैं? भाई माया ने अनुपमा को सच बताया जरूर है, लेकिन वो सच है आधा अधूरा। शो के आगे आने वाले एपिसोड में जहां एक तरफ अनुपमा पारितोष की वजह से अनुज से दूर होती जाएगी, वहीं माया पारितोष की इस हालत का फायदा उठाकर अनुज के करीब आने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। शो में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब होगी देविका की एंट्री, और ये देविका आकर अनुपमा को माया के अतीत की बाकी बची हुई कहानी सुनाएगी। जी हाँ, देविका आकर बताएगी अनुपमा को कि ये जो माया है जिसे तुम ममता की मूरत समझती हो, असल में इस माया के हाथ खून से रंगे हैं। जी हाँ, शो के आगे आने वाले एपिसोड में ये सच आएगा अनुपमा के सामने कि माया के हाथ खून से रंगे हुए हैं। माया ने सालों पहले ली थी एक शख्स की जान, और वो कोई और नहीं बल्कि छोटी अनु के पापा थे। अनुपमा देविका के मुंह से माया की ये काया जानकर हैरान हो जाएगी। इसके साथ ही देविका अनुपमा को वॉर्न करते हुए समझाएगी कि माया के इरादे कतई सही नहीं है, अपने परिवार को बिखरने से रोक लो। अब अनुपमा क्या करती है आगे आने वाले ट्रैक में देखना होगा।